नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोगों ने अभ्यास एक के स्टेप फोर पर डिस्कशन शुरू किया था। अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप वन पे हमने अपनी कल्पनाशीलता की ओर ध्यान दिया और अपनी कल्पनाशीलता को बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना कोई बदलाव किए, जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया। उसमें मुख्य रूप से भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने उसका मूल्यांकन किया और देखा कि जो भाव है मेरे अंदर वो सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, यानी वो मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, यानी मैं उसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। तो हर प्रकार से हमने अपने भाव का मूल्यांकन करके देखने का प्रयास किया ना कि ये सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में फिर हमने अपनी स्थिति का आकलन किया, इस भाव के साथ मेरी स्थिति कैसी है, सुखद है या दुखद है, मैं आराम हूँ या परेशान हूँ। अब स्टेप फोर में ये बात कही जा रही है कि जो भी मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय कौन लेता है, मैं स्वयं लेता हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति लेता है या बाहर की कोई परिस्थिति लेती है। तो थोड़ा विश्लेषण करके, थोड़ी जांच परख करके हम इस बात को देख पाते हैं कि मैं अपने भाव के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, मेरे भाव का निर्णय मैं ही लेता हूँ। इसको हम जितना ठीक से पचा पाएंगे, देख पाएंगे, उतना हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा और दूसरे के प्रति शिकायत का भाव घटेगा। देखिए कि परिस्थिति वही होती है, यदि मुझ में एक तरह की मान्यता होती है तो एक तरह का भाव बनता है, दूसरे तरह की मान्यता होती है दूसरे तरह का भाव बनता है कि नहीं, ये बात हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मुझ में जो भी भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय मैं ही लेता हूँ, कोई और व्यक्ति या बाहर की कोई परिस्थिति मात्र ट्रिगर करने का काम कर सकती है, मेरा ध्यान उस ओर खींच सकती है, परंतु अंततः मैं ही अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ। अपने भाव विचार के आधार पर मैं सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ, इस अर्थ में मैं ही अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। तो कल ये बात हो रही थी कि हम इसे अपने आप में ऑब्जर्व करें, है ना, इसको लेकर जो भी प्रश्न बनता है उस पर भी प्रश्न कर सकते हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है हम जब अपने आप में होते हैं तो हमें पास की कुछ घटनाएं हैं जिसका स्मरण करके हम दुखी होते रहते हैं, उसमें हम दूसरे लोगों को अपने दुख के लिए, समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, किसी ने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, किसी ने हमारे बारे में सही निर्णय नहीं लिया, किसी ने हमारे साथ छल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीजों को लेकर। तो उसने किया एक बात है, उससे यदि मैं दुखी हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, इस बात को अपने को ऑब्जर्व करना था, है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। स्टेप फोर में ये होता है कि अगर हम इस चीज को देख पाए तो ये आगे के लिए भी ये भाव बना रहता है कि जो भी मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, तो एक जिम्मेदारी का भाव बना रहता है अपने प्रति। सारा सुख दुख हमारी इस कल्पनाशीलता में ही है कि नहीं, तो जो कुछ भी चल रहा है मेरे अंदर, और जब हम लोग अभ्यास दो करेंगे तो और स्पष्ट होगा कि बाहर से कोई सूचना आती है परंतु सूचना के लिए जो मेरे अंदर भाव तैयार होता है वो तो मेरा ही निर्णय होता है। इस बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन भी है, क्वेश्चन भी है। एक्चुअली एक लेडी है जिनको मैं देखती हूँ कि वो बहुत अनहैप्पी हैं, मतलब ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में देखती हूँ उनको कंप्लेंट्स होती हैं, और लास्ट ईयर जो है शी लॉस्ट हर सन, तो मैं उनको देख पाती हूँ कि वो तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, और मैं कोशिश करना, मतलब मैं उनको थोड़ा खुश करने की कोशिश करती हूँ, बट मतलब समझने की कोशिश करती हूँ, उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और या फिर मतलब इतनी कोशिशों के बावजूद भी अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब वो शायद वो नहीं ऐसे ही रहना चाहती हैं। एक ये क्वेश्चन बनता है, और दूसरा ये है कि मतलब मैं हर्ट क्यों हो रही हूँ, मतलब मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, वो नहीं करना चाहती, वो चेंज नहीं होना चाहती, तो मैं क्यों तकलीफ हूँ, मैं बार बार क्यों जाती हूँ, और बार बार जाके शायद मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी इंसल्ट करा के आ जाती हूँ।
ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करूँ। जी, इसमें देखें एक अच्छी बात यह है कि आपके अंदर संबंध का भाव है, तो उनको दुखी देखकर आपको ठीक नहीं लग रहा और आप चाहती हैं वो सुखी रहे, इसलिए आप उनके पास जाती हैं। परंतु उनकी चाहना ठीक है, उनके अंदर समझने की क्षमता है और उनका समझने का भी वही कार्यक्रम है जो आपका है। जी अगर हम नहीं देख पाते तो जो हम अपेक्षा बना लेते हैं कि मेरे इतने प्रयास से इतना फल पड़ना माना चाहिए, है ना, उससे फिर हम जी परेशान होते हैं। तो हम इस चीज को देख पाते हैं कि हाँ कुछ मान्यताएं हैं बहुत गहरी हो गई है। जैसे जो आपने घटना बताई है ना, वो अगर जिस तरह से हम मानकर जी रहे हैं ऐसी स्थिति में देखें तो लोगों के लिए काफी वो घातक सा हो जाता है, तो उसका दुख बहुत गहरा हो जाता है। परंतु यदि हम समझ के चले तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें एक जो विधि हो सकती है कि अगर वो महिला आती है वर्कशॉप में, पूरा वर्कशॉप अटेंड करती हैं, तो उनको पूरी बात स्पष्ट होगी। ये जो मैं और शरीर की वास्तविकता हमें समझ में आती है तो बहुत सारे जो हमारे भाव में विकार उत्पन्न हो जाता है उससे हम निकल पाते हैं। वो कुछ मान कर नहीं होता है ना, तो हमने कुछ पढ़ लिया उससे नहीं होता, जब हमको स्वयं में दिखता है तब हो पाता है। तब ये भी होता है कि जो नहीं रहे उनके प्रति भी हमारा भाव निश्चित बना रहता है, जो है उनके प्रति भाव निश्चित बना रहता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे की मृत्यु हो गई, उसके दुख के कारण जो लोग अभी हैं परिवार में उनके साथ भी संबंध का निर्वाह ठीक नहीं कर रहे, अपने शरीर का भी ध्यान ठीक से नहीं रख रहे, स्वयं में भी ज्ञान के लिए कोई काम नहीं कर रहे। जी तो निर्णय तो उन्हीं का है ना, मान्यताएं गहरी हो जाती हैं, उसे निकल नहीं पाते, समय लग सकता है हमको। मगर यह स्पष्ट है कि अल्टीमेटली मुद्दा तो मान्यताओं का ही है, सहस्वीकृति उनकी भी वही है जो हमारी है, उनमें भी समझने की क्षमता है, समझेंगी वो भी तो स्वयं में जांच परख करके जीकर, कोई और विधि है ना उनके लिए नहीं है जो हमारे लिए हो। तो विधि तो यही है, कार्यक्रम तो यही है, ये बात हमको दिखाई दे सकता है। जी भैया, मुझे ऐसे लगता है जैसे ना कि कुछ पुराने जन्म की दुश्मनी है, ऐसे नहीं होती, क्योंकि किसी और को तो वो बहुत प्यार से ध्यान से सुनती है, और जैसे ही मैं बात करने लगती हूँ उठ के चल देती है। तो मुझे ऐसे लगता है इस जन्म में तो मैंने कुछ किया नहीं बुरा, तो पिछले जन्म का है क्या कुछ? वहां जाने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछ लीजिए कि उनको आपकी बात ठीक क्यों नहीं लगती, उन्हीं से पूछ लीजिए। और कोई व्यक्ति अगर सुनने की स्थिति में नहीं है तो रहने दे फिर थोड़े समय के लिए, है ना, व्यक्ति स्वयं में भी तो मूल्यांकन करेगा, उसके शरीर के ध्यान रखने के लिए जो कुछ व्यवस्था बन सकती है उतना कर दे। जी अगर वो खा पी नहीं रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था कर दे, है ना, हाँ कर दे। जी बाकी जी अपनी बात रख के आपने उनको प्रयास किया, ज्यादा बात कहने से कम के अंदर विरोध का भाव आ जाए जी तो आगे के लिए अनुकूलता नहीं रहेगी समझने की। जी देखिए क्या है, अभी हम लोग ऐसी बेहोशी में जी रहे होते हैं, कोई जो बात होती है ना कि अभी अनुकूलता बनी हुई है तो लगता है बड़े सुख में है, आराम में है। कोई एक घटना हो जाए, परिवार को सदस्य नहीं रहा, शरीर में कोई रोग हो गया, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, एकदम से जीना बदल जाता है। तो जी ये सब हम बेहोशी में जी रहे होते हैं, पहले से ही हम जांच कर समझ कर नहीं जी रहे। तो जब तक अनुकूलता है, प्रतिकूलता कोई आई, कोई अन्यथा घटना हो गई, ठीक, हमारा दुख शुरू हो गया और फिर हम दूसरे को जिम्मेदार मानने लगे कि हमारे परिवार में मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, ये जो अगला व्यक्ति है ना इसने बिगाड़ा है, जी और फिर उसका विरोध हम धोते हैं, शिकायत पालते हैं। अभी भी हम जिसे परिवार मानते हैं वो तो शरीर के आधार पर ही मानते हैं, संबंध को हम मैं का मैं से कहाँ देख पाते हैं। इनफैक्ट संबंध को यदि हम मैं का मैं से देख पाए तो संबंध का भाव फैलता है, पूरे विश्व के साथ संबंध दिखाई देता है। इनफैक्ट जी अगर हम इसको ना देख पाए तो जिन लोगों के साथ अभी हम संबंध भी निर्वाह कर रहे हैं उनका हो सकता है हमने अधिमूल्यन कर लिया, किसी पॉइंट पे अपेक्षा नहीं पूरी हुई, अवमूल्यन कर लिया। वही 4-6 लोगों के बीच में हम संबंध में सुख ढूंढते रहते हैं, कभी अधिमूल्यन कभी अवमूल्यन, उसी को अनुकूल बनाने में लगे रहते हैं, उसी में परेशान रहते हैं, उसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है, संबंध को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि जी नहीं। जी अभी हस्बैंड या वाइफ है ना बहुत ठीक से व्यवहार कर रहे हैं, लगता है बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, कल को कोई अन्यथा सूचना मिल जाए लगता है बिल्कुल लाइफ चौपट हो गई। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि समझ कर नहीं जी रहे।
तो अगर हम समझ कर जिए है ना, हर मनुष्य को मैं और शरीर के सांस्कृतिक रूप में देख पाए, संबंध को भाव के स्तर पर निर्वाह कर पाए, तो हर एक मानव के साथ निर्वाह कर पाते, उससे जो ये पास के संबंध है इनका भी ठीक निर्वाह होता है और सबके प्रति निश्चित भाव बना रहता है। जी भैया, वैसे ही मेरा मतलब ये क्यूरियोसिटी मेरी पहले से भी है कि क्या ऐसा होता है कि पिछले जन्म में किसी के साथ हमने बुरा किया तो हमारा बहुत क्लोज रिलेटिव के रूप में होगा और वो हमसे बदला लेगा, ऐसा होता है क्या? देखिए, मतलब मैं में कुछ स्मृति रह सकती है ना, वो संस्कार रूप में रह सकता है, तो वो फिल्मों में सब तो दिखाते हैं, ठीक, और उसमें उतना गंभीरता सोचने की जरूरत नहीं है, अभी स्वयं पे काम किया जाए। जी 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 थैंक यू भैया, धन्यवाद। बढ़िया दीदी, सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरे मैं में सुख दुख का इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? मेरे को ये अगर उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कोई ज्यादा खुशी की बात हो तभी मैं इतनी खुश नहीं होती, जैसे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और हू हल्ला शोर मचाते हैं, दुख हो तो भी बहुत शोर मचाते हैं, पर मेरे में ऐसा, मेरे मैं में तो ऐसे कोई इतनी जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का। जैसा है सुख है तो वो भी थोड़ी देर के लिए, दुख है वो भी चला जाएगा, बस यही भावना रहती है। लोग कई लोग मेरे को बोलते हैं तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कहा पता नहीं मेरे को क्यों नहीं फर्क पड़ता, ये चीज मेरे को नहीं समझ आती। इसको आप स्वयं में ऑब्जर्व करिए, आप देखिए कोई अगर एक तरह की सूचना आती है जो अनुकूल है आपके लिए तो उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल आती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, स्वयं में देखिए। अगर आप एक समान बन जाते तो बड़ी अच्छी बात है, तो संभाव की स्थिति है ना आपके अंदर, अच्छी बात है। तो सर बेटे ने कार ली थी अभी 1 साल पहले, तो मेरे को वो तो इतने खुश सारे जने, सब जने, मेरे को कोई कोई ऐसे हो ही नहीं रहा, ना सुख है ना खुशी ना दुख है। ठीक है उसके पास पैसा है, उस कमा रहा है, उसने कार ले ली, बस इतना ही आया, तो वो कार छोड़ के भी चला गया, वो फॉरन उसका प्लेसमेंट हो गया, तो तभी भी मेरे को कोई नहीं हुआ। लोग आसपास लोग कहते हैं बेटा तेरे को कार खरीद के दे गया, ये हो गया, मैं क्या, मेरे मेरे को तो कोई ऐसी इतनी एक्साइटेड नहीं होती मैं कि हाँ मेरे पास अब कार आ गया और मैं कार में घूमने जाऊं, और कभी कोई दुख की घटना हो ना तो ये तो अच्छी बात है, क्यों एक्साइटेड हो जाएंगे? हाँ क्या फायदा, उसने हमें कितना देर सुख दे देना। वही तो, आप अपने आप से देखिए कि क्या आप इन सब की घटनाओं पे क्या आप एक्साइटेड होना चाहती हैं या आप अपने आप में एक निश्चित भाव के साथ बने रहना चाहती हैं। सर वो एक ऐसा लगता है कि ये सब तो चलता ही रहेगा जिंदगी में, बस जो एक मेन मकसद है हम लोगों का आपस में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, बस उसमें मेरा बहुत फोकस रहता है, कभी मेरी किसी के साथ बिगड़ ना जाए, बस जैसे भी हो तो बहुत अच्छी बात है। सुविधा को देखकर आप ना तो एक्साइटेड हो जाती हैं ना उसके जाने से आप डिप्रेस होती हैं, आपका ध्यान संबंध पे, तो सुविधा से आपने ज्यादा अच्छी वरीयता, ज्यादा ऊंची वरीयता संबंध को दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात। ये तो आपका कुछ पुराना संस्कार भी है तो जिसके आधार पर ऐसी आपकी स्थिति बनी हुई है, तो बहुत आपके लिए एक आगे की गति के लिए काफी अनुकूल है ये। जी मेरे से पहले जो दीदी थी उनमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, तो ऐसे मेरे भी ब्रदर एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोगों को उस सिचुएशन को संभालने में बहुत सारा टाइम लग गया था, क्योंकि मदर बहुत, एक ही हमारा ब्रदर था तो मदर बहुत ज्यादा उसको लेके परेशान रहती थी, पर फिर हम लोगों ने वो सिचुएशन बहुत मुश्किल से उनको कंट्रोल करा, पर हम लोगों के सबके प्रयास से ही ये काम हो पाया, सब जितने भी हो और फैमिली मेंबर थे, हम लोगों ने फिर उनके ऊपर जैसे आप कहते हैं ना कि हमने एक प्रस्ताव रखा, उसके ऊपर हमने प्लानिंग बनाई और ये करा, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिर सब लोगों ने एक मिलके प्रपोजल रेडी करा, जैसे आप UHV में बोलते हैं, फिर हम लोगों ने प्लानिंग सब मिलके बनाई और इस दुविधा से हम कैसे निकल पाए, और हमने देखा कि हम बहुत ही जल्दी ही हम उस अगर उसको तो कई साल लग सकते थे,
पर हम बहुत जल्दी उस दुविधा से बाहर निकल आए। जी, ये बढ़िया मेरा, दीदी। हाँ, प्रयास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहता है कि जब भी अगर ऐसी कोई परेशानी आए तो हमें उसके लिए बैठ के प्लानिंग और प्रपोजल, जैसे यूएचबी में बताया जाता है, जैसे आप लोग बताते हो सर, वो एक बहुत कारगर, एक कहते हैं ना फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला, वो सटीक फॉर्मूला, मैंने बहुत ज्यादा उस पे वर्क कर रहा है और उसमें मेरे को हर टाइम उसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जी, बहुत ही अच्छा। आप इस अभ्यास को और बनाए रखें अपने आप में, अपने भाव को जिससे जग होने वाले अभ्यास को, है ना, और उसमें परिमार्जन के लिए काम करें, तो जो पहले से आपका संस्कार बना हुआ है उसमें सहयोग भी करेगा। जी, धन्यवाद सर। बढ़िया दीदी। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। जी, तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल पाता हूँ। मुझे स्वयं में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए मैं स्वयं के विकास, स्वयं के परिमार्जन के लिए प्रयास करने के लिए तत्पर होता हूँ। मैं दूसरों को दोष देना बंद करता हूँ, दूसरों के प्रति शिकायत से मुक्त हो पाता हूँ, क्योंकि मैं अब यह देख पाता हूँ कि दूसरा व्यक्ति या बाहर की कोई परिस्थिति मेरे सुख दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। तो ये दोनों निष्कर्ष निकल पाते हैं कि अगर मेरा सुख दुख मेरी जिम्मेदारी है और मैं निरंतर सुख की स्थिति में नहीं हूं, इसका मतलब मुझे अपने ऊपर काम करना है। और दूसरा कि दूसरों के प्रति जो मेरे अंदर एक दोष देने का, एक शिकायत करने का भाव बना रहता है, उससे मैं निकल पाता हूँ कि दूसरे ने अपनी जो भी किया उससे यदि मैं प्रभावित हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ये भी एक मेजर अचीवमेंट है अगर हम शिकायत से मुक्त हो पाए। पहले मैं यह सोचता था कि दूसरा व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति मेरे सुख के लिए या दुख के लिए जिम्मेदार है, तो अगर दुख की स्थिति है तो मैं उनको दोष देता रहता था, उनके बदलने की आशा करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे कभी भी स्वयं को बदलने की, परिमार्जन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। मैं दूसरे को बदलते देखना चाहता था, दूसरे मुझे बदलते देखना चाहते थे, कोई भी खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं देखता था, इसलिए किसी में भी कोई भी सार्थक परिवर्तन नहीं हो पाता, कोई विकास नहीं हो पाता। आज की यही स्थिति है। तो परिवार में भी देखें तो हम एक दूसरे को बदलने का प्रयास करते रहते हैं ना, और वो भी अपने सुख के लिए, कि अगला बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अगला बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, वो सोचता है मैं बदल जाऊं तो वो सुखी हो जाए। तो हम एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते रहते हैं कि नहीं। अभी एक दूसरे को चलाने के प्रयास में हम एक दूसरे के ऊपर शासन करते रहते हैं, कई बार वो शोषण तक भी चला जाता है, और फिर इसमें हम परेशान होते रहते हैं, दूसरे को भी परेशान करते रहते हैं। तो ये बात हम अपने आप में ऑब्जर्व करें कि क्या लगता है, ये हमारे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या ये स्थिति हमारे साथ बनी हुई है। तो परिवार में हमें लगता है कि दूसरा बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। दूसरा बदल जाए तो ठीक है, अगर दूसरा गलत जी रहा है तो बदल जाए, मगर वो नहीं बदलता तो मैं दुखी रहता हूँ, बदलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये ठीक नहीं है। दूसरा जैसा भी है उसका मैं आकलन करूंगा, बट मैं अपने सुख का जिम्मेदार स्वयं हूँ, तो मुझे अपने सुख के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाना होगा। इसे अपने आप में हम ऑब्जर्व करें, एक मेजर बात। कई प्रकार के शेयरिंग आए चैट बॉक्स में, ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व करें। तो ये दो चीजें हमें दिखाई देंगी, एक तो मुझे अपने ऊपर काम करना है ना, गंभीरता से काम करना है, दूसरा मुझे अपने दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। दूसरे में परिमार्जन हो जाए यहाँ तक ठीक है ना, बट यदि दूसरे परिमार्जन नहीं होता तो मैं दुखी रहूंगा
और दूसरा जिम्मेदार है इसके लिए, ये ठीक नहीं है जी। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। अगर इसका उदाहरण लिया जाए, जब कोई व्यक्ति मुझे कुछ अपशब्द कहता है तब क्या होता है? आवाज मेरे कानों तक आती है, मैं उसकी तरफ ध्यान देता हूँ, शब्दों को सुनता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ और फिर कुछ निष्कर्ष निकालता हूँ। अब मुझ में जो भाव बनता है वो मेरे द्वारा तय किया जाता है या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा? यदि मुझे पता चलता है कि अपशब्द कहने वाला व्यक्ति कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और उसे समझ भी नहीं है कि वह क्या कर रही है या कर रहा है, तब हमारा भाव क्या होता है? संभवतः दया का भाव। जब दूसरा व्यक्ति मुझे स्वस्थ दिखता है और वही अपशब्द कहता है, तब मेरा भाव क्या होता है? संभवतः विरोध का भाव। हम देखते हैं कि शब्द तो एक ही है, हम देखते हैं कि शब्द तो एक ही है, परंतु शब्द से जो अर्थ निकाला गया वह बदल गया। बाहर से आने वाला स्टिमुलस तो एक ही है, लेकिन मैंने उसका जैसा अर्थ निकाला उसका रूप मेरा भाव बदल गया। दूसरे शब्दों में मुझमें कौन सा भाव चलेगा इसका निर्णय मैं ही लेता हूँ। मैं अपनी सही समझ के आधार पर अपने भाव का निर्णय कर सकता हूँ, किसी दूसरे के व्यवहार पर प्रतिक्रिया के आधार पर तय करने के बजाय। तो ये बात हम अपने आप पे देख सकते हैं। तो कोई बाहर से सूचना आई, कोई अपशब्द कह रहा है, अपशब्द कहने से इनफैक्ट इसको और ठीक से देखे तो किसी ने कोई शब्द कहा है, उसमें अप जो है वो मैंने जोड़ा है कि नहीं, तो किसी ने कोई शब्द कहा है, ध्वनि कान तक गई है ना, कान से मुझ तक आई है संवेदना के रूप में, मैं उसको अर्थ देता हूँ। अब मैं कहता हूँ हाँ ये अपशब्द है, तो ठीक बात है, तो कोई अपशब्द है तो अपशब्द ही कहेंगे, बट मिला जो है वो शब्द है, उसको जो मैंने अर्थ दिया उसके बाद तय हुआ है कि अपशब्द। अब उस अपशब्द को सुनकर मेरे अंदर फिर कुछ विचार चलता है, ये मुझे क्या सोच के इसने ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, है ना, या मुझे ही क्यों कहा, बाकी क्यों नहीं कहा, तो ये बहुत सारा मेरे अंदर विचार चलता है। और फिर कुछ ना कुछ मेरे अपने विचारों में एक निर्णय हो जाता है कि अगला व्यक्ति मुझे दुखी करना चाहता है, मुझे अपमानित करना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है ना, मुझे परेशान करना चाहता है, ये मेरा विरोधी है, ऐसा मैं बहुत सारा अपने विचार से कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पे आता हूँ और फिर मैं उससे परेशान होता हूँ, फिर परेशान होकर मेरे अंदर उसके प्रति एक रिएक्शन बिल्डअप हो जाता है। बट यदि लगे कि उस व्यक्ति को शब्द का अर्थ नहीं पता, अनजाने में कह दिया, तो देखिए मेरा अर्थ पूरा बदल जाता है। इनफैक्ट तो आप पाएंगे कि हम जब दूसरे के व्यवहार से आहत होते हैं तो उसके इंटेंशन के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल कर आहत होते हैं। अगर अगले व्यक्ति को शब्द का अर्थ स्वयं ही नहीं पता इसलिए ऐसा शब्द कह दिया, तो हमारी स्थिति एक तरह की बनती है। अर्थ पता है और निर्णय पूर्वक कहा है तो उसके पीछे हम ये भी मान लेते हैं कि इसने मुझे दुखी करना चाहा है। बट यदि हमें समझ में आ जाए कि निर्णय पूर्वक कहा है परंतु दुखी नहीं करना चाहता, उसकी स्वयं की स्थिति ठीक नहीं है, इतने आवेश में है, इतने गुस्से में है कि अब शब्द कह गया, तो मेरी स्थिति फिर तीसरे तरह की होती है। तो आप देखेंगे कि जो मैं अर्थ देता हूँ उससे मेरी स्थिति तय होती है। मैं मानता हूँ कि उसे शब्द का अर्थ पता नहीं है, एक तरह की स्थिति है। पता है, निर्णय पूर्वक कहा है क्योंकि मुझे दुखी करना चाहता है, दूसरे तरह की स्थिति है। दुखी नहीं करना चाहता, दुखी है, अपने दुख को कम करना चाहता है, आवेश में ऐसा शब्द कह दिया, तो तीसरे तरह की स्थिति है कि नहीं। इन सारी स्थितियों में आप पाएंगे कि मेरे अपने जो कल्पनाशीलता की स्थितियों बदलती रहती है। जो हम लोग एक उदाहरण कई बार विश्वास के भाव को लेकर दिया करते हैं कि कानपुर में एक शिक्षक थे एक विद्या स्कूल के, और 70 साल के करीब उम्र रही होगी, करीब 40 साल तो प्रोफेशन में रहे, टीचिंग प्रोफेशन में से अधिक ही रहे, और शरीर से भी काफी स्वस्थ थे, काफी अच्छे से उन्होंने विद्यालय को चलाया, सभी लोग शहर में उनका नाम जानते थे। उनको 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया, तो जब हम लोग मिलने गए तो पूछा कि
भाई क्या बात हो गई, आप इतने स्वस्थ व्यक्ति थे, आपको हार्ट अटैक कैसे हो गया। तो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले कलकत्ता से उनका एक कोई मित्र आया था, ये कानपुर में रहते थे, उन्होंने कुछ पैसे की मांग की, इन्होंने पत्नी से डिस्कस किए बगैर दे दिया। पत्नी को ये बात बुरी लगी कि मुझसे क्यों नहीं कहा, मुझसे क्यों नहीं डिस्कस किया, मुझसे क्यों निर्णय ले लिया। गुस्से में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। तो उन्होंने कहा कि आंटी ने तुम्हारी कुछ ऐसी बात कह दी है जो मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो उनसे पूछा गया कि जो आंटी ने बात कही उससे आप आहत हो गए, या आपने मान लिया कि आपको दुखी करना चाहती है और इसलिए ऐसी बात कही, इससे आप हर्ट हुए, इतने गहरे में हुए कि आपको ये दिल की बीमारी हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, दुखी क्यों करना चाहेगी, पत्नी है मेरी, है ना, साथ साथ रह रहे हम लोग इतने सारे वर्षों से, तो दुखी नहीं करना चाहती, बट उसमें शब्द ही इतने तीखे कड़वे थे कि मैं सहन नहीं कर पाया। तो फिर उनसे कहा गया कि अगर यही शब्द किसी पागल व्यक्ति ने कहे होते तो क्या आप ऐसे ही दुखी होते। तो उन्होंने कुछ सोचा, कहा कि नहीं, एक पागल व्यक्ति से मैं क्यों प्रभावित होऊंगा। इसका मतलब शब्दों से आप प्रभावित नहीं हुए, उन शब्दों के साथ आपने कोई अर्थ जोड़ा और उस अर्थ में कहीं आपने मान लिया कि आपकी पत्नी आपको दुखी करना चाहती है, इसलिए आप इतने गहरे में आहत हुए। तो उन्होंने कहा हाँ, बात तो ठीक लग रही है। तो ऐसा हो सकता है कि हम साथ साथ रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, है ना, एक दूसरे के व्यवहार को भी हम ठीक स्वीकार रहते हैं, पर तो उसके मूल मुद्दे हमको क्लियर नहीं होते। ऐसा हो सकता है जो ठीक व्यवहार कर रहा है वो भी मान के कर रहा है, जो गलत व्यवहार कर रहा है वो भी मान के कर रहा है, चाहना तो हर समय ठीक ही है। तो परिवार में भी देखें तो परिवार अच्छा चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है सबकी मान्यताएं आपस में मिल जा रही है तो अच्छा चल रहा है, किसी दिन मान्यता नहीं मिली, खटपट हो गई, कुछ ज्यादा खटपट हो गई, चाहना सबकी ठीक बनी हुई है, क्योंकि एक अनुकूलता बनी थी तो अयोग्यता से परिचय नहीं हो रहा था, तो प्रतिकूलता आ गई, अब अयोग्यता से परिचय हो गया कि नहीं। इस चीज को अपने आप में ऑब्जर्व करें, इस पे काफी क्लैरिटी बनेगी। इतनी बात को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं इस बात को, है ना, इन 10 मिनट में भी ऑब्जर्व करते हैं, और अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई है रिसेंट पास्ट में, परिवार में, अपने लाइफ में, तो उसको भी एक बार देख सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, उसको देखें अपने आप में, है ना, कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होता है। जी, तो इसको हम लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, 10 मिनट बाद इस पर चर्चा करेंगे। भैया ऑब्जर्वेशन वाली स्लाइड लगा दीजिएगा।
जी बढ़िया। इसको आज हम लोग अभ्यास रूप में करें ना। इनफैक्ट एक लिस्ट भी हम लोग बना सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे लाइफ में जिनके प्रति हमारे अंदर एक शिकायत का भाव बना रहता है और हम अपने दुख के लिए उनको जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं। और ये भी हम लिख सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्रति हमारे अंदर एक भाव रहता है कि हमारे सुख के स्रोत है। तो कुछ लोग होते हैं जो हमें प्रिय लगते हैं वो हमको सुख के स्रोत लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके प्रति शिकायत का भाव बना रहता है वो हमको दुख के स्रोत लगते हैं। तो हम अपना सुख दुख उन पे आरोपित करके रखते हैं, उनको असली जिम्मेदार भी ठहराते हैं, खासतौर पर दुख के लिए। दुख के लिए देखें तो कई लोग होंगे जिनके प्रति हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा भाव बना रहता है, इस व्यक्ति ने मुझे दुखी किया, इस व्यक्ति ने परेशान किया, व्यक्ति कारण ही मेरी ऐसी स्थिति है, एंड सो ऑन। उसको हम एक लिस्ट बनाए और उस पर लौट कर अगर हम एक बार मूल्यांकन करें जितना तक हम कर पा रहे तो काफी उपयोगी हो सकता है आपके लिए। आगे जो कल्पनाशीलता की स्थिति बनेगी उसमें बहुत सारी चीजों से निवृत्ति मिलेगी आपको, इसको करके देखें जी। तो ये अभी हमें देखना था कि बाहर से जब कोई सूचना आती है, कोई शब्द आता है, तो अल्टीमेटली हम उस शब्द को कोई अर्थ देते हैं और उस अर्थ से प्रभावित होते हैं। जो अर्थ देते हैं उसके बारे में और अध्ययन करेंगे, उसका आधार क्या होता है। तो ये जो अभी हम स्टेप फोर में ऑब्जर्व कर रहे हैं ये हम अभ्यास दो में भी ऑब्जर्व करेंगे और उसको फिर से कनेक्ट करके हम देख पाएंगे। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। तो गृह कार्य के रूप में ये है कि अगले 24 घंटों में आपके साथ घटने वाली सारी घटनाओं तथा दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाले आदान प्रदान में अपने भाव का मूल्यांकन करें और अपने आप से पूछें इन भाव का निर्णय कौन ले रहा है, कोई और व्यक्ति, बाहर कोई परिस्थिति या मैं स्वयं। आपके सुख दुख के लिए कौन जिम्मेदार है, कोई और, बाहरी कोई परिस्थिति या मैं स्वयं। अपने ऑब्जर्वेशंस को जर्नल में नोट करें। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ठीक है अवसर है, चलो फैमिली के साथ कहीं बाहर चलते हैं, तो एक अपेक्षा रहती है कि वातावरण बदलेगा, जगह बदलेगे, नई नई चीजें देखेंगे तो अच्छा रहेगा, सुखी होंगे उससे। परंतु यदि कुछ मान्यता बनी हुई है संबंध को लेकर तो पता चला जाकर वहां भी वही खटपट हो रही है, तो बाहर के दृश्य के से तो कोई सुखी नहीं हो पाया, जो आपस में खटपट हो रही है इससे वापस दुख बढ़ गया आपका कि नहीं। तो ये जो हम बाहर की चीजों को ठीक करके स्वयं में सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं इससे हम निकल पाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर बाहर की परिस्थिति ठीक होगी तो मैं सुखी होऊंगा या नहीं, बाहर की परिस्थिति को मैं जिम्मेदार मान रहा हूँ सुख के लिए, उसको बदल दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाहर की किसी परिस्थिति को, व्यक्ति को मैं जिम्मेदार मानता हूँ दुख के लिए, उसको बदल दूंगा तो मैं इस दुख से निकल पाऊंगा। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें, इनफैक्ट इसको एज ए होमवर्क लेकर हम लोग अपने लाइफ को स्टडी कर सकते हैं कि लाइफ में ऐसे कितने लोग रहे जिनको अभी भी आप याद करते हैं तो दुखी होते हैं। आप बैठते हैं कल्पना में वो व्यक्ति घूमता है और आप दुखी होने लगते हैं, उसके प्रति विरोध का भाव आने लगता है, आवेश का भाव आने लगता है कि नहीं। सिग्निफिकेंट बात है ये। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है बहुत अच्छी बात है, यदि इसको लेकर यदि कोई प्रश्न बनता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नमस्ते भैया। जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। मुझे ये मतलब पूछना और शेयर नहीं बोल सकती हूँ, मेरा डाउट पूछना ऐसा सोच सकते हो कि एक ही व्यक्ति की वजह से हमको कभी सुख या कभी दुख महसूस होता है, ये पॉसिबल है ना भैया? वही व्यक्ति कभी हमको लगता है कि सुख का कारण है और हाँ भैया हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, तो हमें दोनों स्थिति में उसको ही जिम्मेदार मान रहे हैं। हाँ कई बार ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति का अधिमूल्यन कर लेते हैं अपने लाइफ में, तो व्यक्ति जब हमारे अनुसार चलता है हम सुखी होते हैं, हमारे अनुसार नहीं चलता हम दुखी होते हैं। तो अभी हम जिस तरह से स्नेह को भी परिभाषित करते हैं वो इसी रूप में रहता है कि हमने उस व्यक्ति का अधिमूल्यन कर लिया। अभी जिसे हम सामान्य रूप से स्नेह कहते हैं, स्पाउस के प्रति हो गया, बच्चे के प्रति हो गया, है ना, मित्र के प्रति हो गया,
तो उनको हमके प्रति हमको लगता है बहुत स्नेह है, तो जब हमारे अनुसार चलते हैं तो हम आराम में होते हैं, हमारे अनुसार नहीं चलते हम दुखी परेशान होते हैं। तो जिम्मेदार तो हमने दूसरे को ही बनाया हुआ है अपने सुख के लिए। वही कल दिन भर भी मैं सोच रही थी अलग अलग घटनाओं में, तो ऐसे लग रहा था कि सामने की व्यक्ति की वजह से कल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस हुए एक ही दिन में, जिसकी वजह से मुझे लगा कि सामने वाले व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हो रही हूँ या सामने वाले व्यक्ति की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। फिर उसको बहुत देर तक बैठ के जब मैंने सोचा तो ऐसे लगा कि नहीं ये मेरी गलती है, मतलब एंड में हर बार यही कंक्लूजन निकला कि मैं ही शायद बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हूँ या मैं ही ज्यादा बहुत सोच रही हूँ जिसकी वजह से ये तकलीफ मुझे हो रही। लेकिन शुरुआत में तो यही लगता है भैया कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को नहीं समझ रहा है, ये सामने वाला व्यक्ति खामखा गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, ऐसे ही लगता है। मतलब ये कई बार ही हो रहा है आजकल की, ये तो ठीक है उसकी वजह से मुझे नहीं समझ रहा है ना, मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, बात को मजबूर कर पाते हैं, यदि मैं उससे दुखी हो रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, दुखी तो हो रही हूँ, वही हो रहा है, दुखी हो रही हूँ बहुत ज्यादा, तो वो तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको कैसे अवॉइड किया जा सके भैया? देखिए मुद्दा अवॉइड करने का नहीं है, मुद्दा इवैल्यूएट करने का है। हाँ, तो जब हम अपने को राइटली इवैल्यूएट कर पाते हैं, दूसरे को राइटली इवैल्यूएट कर पाते हैं, हमें दिखता है कि इंटेंशन वाइज एवरीबॉडी साउंड प्योर, पोटेंशियल भी हरेक में है समझने का, कॉम्पिटेंस बिल्डअप नहीं हुआ है। कॉम्पिटेंस को बिल्डअप करने का भी वही प्रोग्राम है जो मेरा है, बट उसमें समय लगता है, मुझे समय लग रहा है, अगले को भी समय लग सकता है, मुझे भी कुछ संस्कारों से उभरने में उम्र लग जाती है कई बार, अगले को भी लग सकता है। तो मेरे कुछ संस्कार बहुत गहरे हैं, मैं उनको नहीं इवैल्यूएट कर पा रहा, अगले कुछ संस्कार हैं वो भी गहरे हैं, वो दूसरा उसको नहीं इवैल्यूएट कर पा रहा, मैं उसके कुछ संस्कारों को इवैल्यूएट करके पा रहा हूँ कि हाँ ये ठीक नहीं है, वो नहीं इवैल्यूएट कर पा रहा, मैं अपने कुछ संस्कारों को जहाँ नहीं देख पा रहा हूँ उसको मानता है कि ये ठीक नहीं है। तो अभी संबंधों में ये सब चलता रहता है ना, क्योंकि हम अपना राइट डायरेक्शन नहीं कर पाते, दूसरे का भी नहीं कर पाते। मुद्दे की बात यह है कि जब मैं अपना राइट डायरेक्शन कर पाता हूँ तभी मैं दूसरे का भी कर पाता हूँ, नहीं तो जो प्री कंडीशनिंग मेरी मान्यता से, जो प्री कंडीशनिंग मेरी बनी हुई है जिससे मेरी कल्पना चल रही है, वो प्री कंडीशनिंग मेरी इवैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस करती रहती है। सही है कि नहीं? सही है भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी, कोशिश करूं कि आप खुद को भी प्रॉपरली इवैल्यूएट करूं और सामने वाले को भी। ये सामने वाले को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना मुझे लगता है कि इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद को तो इवैल्यूएट करना ही चाहिए लेकिन सामने वाले को हम कई बारी गलत इवैल्यूएट करते ही है ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए आप पाएंगे कि अगर आप अपने आप को राइटली इवैल्यूएट कर पाती हैं, जिसको अभी हम मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट कह रहे हैं, वो तो इंश्योर हो जाता है अपने राइट इवैल्यूएशन से। कि अगर मैंने अपने इंटेंशन को देखा और पाया कि हाँ मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, तो उसे भी दिखता है दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है हर क्षण कि नहीं, तो ये जो मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट है वो तो मेरे राइट इवैल्यूएशन से इंश्योर हो जाता है। अब दूसरे का जब हम योग्यता का आकलन करने जाते हैं तो दूसरे से इंटरेक्ट करना बनता है, वो हम अपने इवैल्यूएशन से नहीं तय कर पाते, बट मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट तो मेरे स्वयं में बैठे बैठे तय हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, धन्यवाद भैया, कोशिश मतलब बिल्कुल इसके ऊपर और इसको क्या बोलते अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगी ताकि मैं भी कम गुस्सा करूं और सामने वाले को भी कम गुस्सा दिलाऊं। ऐसे होता है कि भैया ये हमारी होता ही है शायद कि हमारे बिहेवियर की वजह से, मतलब हमारा इंटेंशन अच्छा रहता है लेकिन सामने वाले को उसकी वजह से वो गलत इंटरप्रेट करे तो भी गुस्सा आता है, ऐसा भी होता है कई बार ना। देखिए यही तो होता है कि हम तो कहते ही रहते हैं मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए, सीधी तरह सुनते नहीं, चिल्लाता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, अगले को लग रहा है क्या पागल आदमी चिल्लाता रहता है सुबह शाम। तो हम तो अपने इंटेंशन को देख रहे हैं, अपने लैक ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं देख रहे हैं, भाई इंटेंशन मेरा अच्छा है जैसा है ना ये आपने भी कहा, बट हम चीख चिल्ला क्यों रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि इससे कम अगला आदमी समझेगा नहीं, हमको लगता है कि मैं तो समझूंगा प्रस्ताव पूर्वक, अगला समझेगा दबाव पूर्वक, दबाव बनाते हैं, दूसरे को भी ये समझ में नहीं आता, उसको लगता है उसका इंटेंशन तो ठीक ही है,
है ना, बट ये सुबह शाम क्या घर में चलता रहता है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि नहीं। सही सही और सही। हमारे पास उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं होता। जैसे आपने कहा भाई बच्चे से भाई सुबह उठना है तुमको 5 बजे, बच्चे को नहीं क्लियर है क्यों उठना है, अब हम चीखने चिल्लाने लगे हमारे दबाव में उठ जाता है वो, उसका उसकी कंडीशनिंग भी हो गई सुबह उठने की। अब जब हॉस्टल पहुंचता है बीटेक करने तो 10 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, क्योंकि तो आपके दबाव में जी रहा था, वैसे समझ कर थोड़ी कर रहा था। सही है। थैंक यू भैया, धन्यवाद जी। बढ़िया दीदी, कुछ और हैंड्स ले लें। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया, एक सवाल है मेरा। असल में क्या है, एक तो खुशी मुझे बहुत हो रही है इस बात को लेकर के कि बहुत परिवर्तन अब लाइफ में दिखने भी लगे हैं, महसूस होते हैं आसपास की दुनिया में भी जो भाव बनते थे वो बहुत संबंधों के भाव में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अब मैं एक चीज पर बड़ा अंतर महसूस कर रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में वो नहीं आता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके के जिससे बहुत पीड़ाएं मिली है मान लीजिए हमें, और अगर हम उसके तरफ बढ़ते हैं अच्छे भाव से ही बढ़ते हैं और बार बार वो व्यक्ति उसी तरह की उसी ताकत की पीड़ाएं देता है, तो ये जीवन बहुत लंबे समय तक के लिए वापस डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब इस अर्थ में होता है कि वो सामाजिक हानि भी मिलती है कई जगह पर और आर्थिक हानि भी मिल जाती है, तो उसको जो बैलेंस करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो मैंने अभी इस दरमियान भी 2-3 प्रयास किए हैं इस तरह के अपने किसी संबंधी के साथ में, तो मैंने पाया कि वो जो पीड़ा मिलती है वो बहुत दिनों तक के लिए डिस्टर्ब करे रहती है, उसमें अन्य चीजें जो ठीक ठाक होती है वो भी संभलने में टाइम लगने लगता है उसमें, और वो बात दिमाग में भरी रहती है दिमाग में लगातार कि हम मतलब अभी नहीं करना चाहिए इस जगह पर। तो हम ऐसे महसूस करें हैं भैया कि सही है या नहीं है कि मतलब ऐसे व्यक्ति को कुछ दिन के लिए मुझे छोड़ ही देना चाहिए, मतलब 4-6 साल तक के लिए, जब तक कि ऐसा अंदर से इतने मजबूत ना हो जाए। तो अकेला एक व्यक्ति नहीं है जिंदगी में जो सब कुछ कर सकता हो, बहुत सारी दुनिया पड़ी हुई है, ऐसा ख्याल मेरे मन में आना शुरू हुआ है, तो क्या ये सही है या नहीं है? देखिए छोड़ेंगे तो नहीं, संबंध का भाव बना रहेगा, बट हमको दिखता है कि अभी जो उसकी स्थिति है उसमें संवाद कारगर नहीं है, तो संवाद को थोड़े समय के लिए रोक देंगे, कोई अन्य प्रयास भी कर रहे हैं लग रहा है कारगर नहीं है तो उसको रोक देंगे, संबंध का भाव बना रहेगा। जैसे ही कुछ अनुकूलता बनती है ना, अगले का ध्यान आकर्षण हो पाता है, और देखिए व्यक्ति में यकायक परिवर्तन हो भी जाते हैं क्योंकि क्षमता तो है इस व्यक्ति में, कभी कोई घटना आती है अपना आकलन कर लेता है, तो हमारे अंदर ये आशा बनी रहती है कि हाँ ये समझ सकता है व्यक्ति, ठीक अभी नहीं समझ पा रहा, गहरे संस्कार है, ये भी हो सकता है पूरी शरीयत्रा में न समझे, और एक तरफ तो आप इसके समझने में सहयोग करने के लिए तत्पर है, बट उसका 4 लोग और हैं जो उसकी मान्यताओं को पुष्ट कर रहे हैं, जो उसके अंदर गलत संस्कारों को पुष्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ आपका ही रोल नहीं है। तो अगर वो नहीं समझ पा रहा तो उसके लिए हमको अपने ऊपर कोई है ना ग्लानि या कोई खिन्न भाव ही नहीं आएगा कि भाई कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा, कोई परिणाम नहीं निकल रहा, हमको दिखता है कि भाई वो व्यक्ति 1000 लोग से इंटरेक्ट कर रहा होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक उसमें एक व्यक्ति मैं हूँ, तो मैं अपनी जो भागीदारी उसको पूरा कर सकता हूँ, फल परिणाम तो सबके साथ जो इंटरेक्शन चल रहा है उसके आधार पर होगा, उसके अपने गहरे संस्कार हैं, उसने पूरे जिस तरह से एजुकेशन लिया है उसमें बहुत सारी मान्यताएं बनी है, अभी जिन लोगों के साथ उसका जीना हो रहा है उसमें जो इंट्रैक्शन हो रहे हैं उसका उस पर प्रभाव है, तो फल परिणाम तो इन सबके साथ आएगा, बट मेरी भागीदारी निश्चित है, और मैं देखता हूँ कि फल परिणाम अगर इस तरह से आ रहा है तो अब अगली बार मेरी भागीदारी क्या होगी, अगर अन्यथा आ रहा है तो अब मेरी भागीदारी क्या होगी। तो हम अपने आप में सही आकलन के साथ आराम में बने रहते हैं, सही भाव के साथ आराम बने रहते हैं, और अगले की स्थिति का आकलन करके अपनी पूरकता को तय करते रहते हैं कि अब इस व्यक्ति के साथ इस परिस्थिति मेरी क्या पूरकता हो सकती है, उसको तय करते रहते हैं, और हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से उसमें होने वाले परिवर्तन से अपने आप में अप्रभावित रहते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा बदल जाएगा तो हम सुखी होंगे, नहीं बदला है तो हम परेशान रहेंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए जो लौट लौट के ध्यान जाएगा, हमको अपने अंदर चिंतन बोध अनुभव पे ठीक से काम करना है। ये जो घटनाओं को लेकर हम सुखी दुखी होते रहते हैं, आपको दिखेगा ये घटनाएं मुझे दुखी नहीं करती, चिंतन बोध अनुभव में मैं जागृत नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी होता हूँ, ये घटना उसको रिफ्लेक्ट करती रहती है ना, उसके बारे में संकेत मिलता रहता है इन घटनाओं से, तो उपकार है। अगर कोई व्यक्ति कई बार प्रयास करने से भी न समझे तो उसका उपकार है कि हमें दिखता है कि है ना हमें अपने ऊपर और काम करना है।
ठीक है भैया जी, भैया ठीक बढ़िया, नमस्कार भैया, नमस्ते भैया जी, नमस्ते भैया। इसमें ना क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम किसी भी सिचुएशन या किसी के भी बिहेवियर को पोटेंशियल कॉम्पिटेंस और इसके इवैल्यूएशन के लेवल पे देखते हैं तो हमें मतलब क्लैरिटी होती है, बट कई बार जैसे हम बहुत बार ये सुनते हैं कि इसमें आपका ही कार्मिक अकाउंट है, तो इसका कोई रिलेशन है इन चीजों से, मतलब कि आपको ये जी बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं और फिर हम कई बार प्रस्ताव को जांचने के बजाय फिर उनमें बहुत सारा विश्लेषण कर रहे होते हैं। तो देखिए कार्मिक अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जो आपका संस्कार बना हुआ है, ठीक है, तो हम अपने संस्कारों के साथ ही सुखी दुखी होते हैं, तो जो मेरे अंदर प्रभाव बना है उसका तो प्रभाव रहेगा ही, जो मेरे अपने स्वयं में संस्कार बन गए, है ना। बट उसके साथ हम बहुत सारी चीजें मान्यता में जोड़ लेते हैं, है ना, कि आपने किसी के साथ पहले ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। अब ये सब ना माने, क्योंकि तो अभी बात हो रही ना कि जो फल परिणाम आते हैं तो बहुत सारी घटनाओं के योग संयोग से आते हैं कि नहीं, तो फिर हम रहस्य में चले जाते हैं, फिर हम बहुत सारी चीजों को मानने भी लगते हैं जी। जैसे हम स्टोरीज भी सुनते हैं तो मतलब कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें भी ऐसे ही बोलते हैं, इसने ऐसे किया था, वो उसके ऐसे रिलेशन में आए, तो इस तरीके से मतलब ये ऐसे सब स्टोरीज भी सुनते हैं। हाँ अभी देखिए अभी हम लोग उस पे ना जाएं, क्या है ये सब जो बहुत सारा बोरोड इन्फॉर्मेशन है जो हम एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते, उसको मानने से भी हम परेशान होते, फिर नहीं मानते तो भी परेशान होते हैं। अभी हम सीधा सीधा ऑब्जर्व करें, है ना, अभी भी आप देखें तो आपके साथ आज दिन भर में जो घटनाएं होंगी तो उसमें आपका निर्णय तो आपका ही होगा, भाव का निर्णय तो आप ही करेंगी। अगर ये बात हमको ध्यान में ना आती जो स्टेप फोर में कहा जा रहा है, तो अपने भाव के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते, ध्यान में आ गया तो आप दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, वही घटनाएं होंगी बट आपके प्रभाव अलग तरह का होगा जी। मतलब कोई भी हम उसको मान ले बट अल्टीमेट जो डिसीजन है वो तो हमारे लिए, नहीं कुछ भी क्यों मानेंगे, हम सही सही देखेंगे, हम सही सही देखेंगे, मानव को मानव के रूप में देखेंगे, शेष प्रकृति को शेष प्रकृति के रूप में देखेंगे। मानव हमको दिखता है कि चाहना सबकी समान होती है, क्षमता समान होती है, समझने का कार्यक्रम समान होता है, योग्यताओं में अंतर होता है, कहीं हम ज्यादा योग्य हैं कहीं दूसरा ज्यादा योग्य है, ये हो सकता है। हम एक दूसरे के लिए कैसे पूरक हो पाए, कैसे कॉम्प्लीमेंट कर पाए, कैसे एक दूसरे के अंदर समझ भाव को सुनिश्चित कर पाए, इसके लिए काम करेंगे। उसके लिए ये दिखता है कि मुख्य काम तो मुझे स्वयं में करना है, चिंतन बोध अनुभव क्रिया मुझ में जागृत नहीं है, तो अगर अगले व्यक्ति को हटा भी दे, है ना, तो भी हम अपने आप में दुखी परेशान होते रहते हैं। अगर हमको अपने साथ बिताने के लिए 24 घंटे मिल जाए, ठीक, तो देखिए, और बाहर के स्रोत हटा दिए जाए, हम अपने भाव विचार से परेशान होने लगते हैं। आप आएंगे जिस दिन भी आप खाली होते हैं तो आप बरसों पुरानी घटनाओं को सोचना शुरू करते हैं, होता नहीं होता है ना, तो हम तो अपने लिए खुद ही दुख ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं जी बढ़िया दीदी। तो आज हम लोग इस असाइनमेंट को लेते हैं, इसको आज हम लोग दिन भर करेंगे, और ये जो आज बात हुई तो हम लोग उसको थोड़ा लिख के शुरू करें कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्रति मेरे अंदर शिकायत का भाव बना रहता है, इसको सॉर्टिंग कर लेते हैं थोड़ा, किस बात से शिकायत रहती है, उसमें भी उन व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय के आधार पर जो घटना हुई उस घटना को अर्थ तो मैंने स्वयं दिया, भाव मेरा था, निर्णय मेरा था, है ना, ये बात भी हम आगे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये भी एक डुएबल टास्क है, उसको कर लें तो हमारे आगे के लिए काफी उपयोगी हो सकता है, फिर हमें शिकायत मुक्त होंगे, है ना, ये शिकायत मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ज्यादातर दुख तो शिकायतों का ही है, संबंधों की शिकायत है कि नहीं। बढ़िया, तो आज यहाँ पे रोकते हैं।